जो भी वीडियो में मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ आईफोन 12 के नहीं, आपके पास कोई भी आईफोन है वो उसका एक्सपीरियंस आपका बहुत एनहांस कर देंगे, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आईफोन 11 है, चाहे 10R है, चाहे 12 है, या अगर 13 में कैसे नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एप्पल चीज़ें घटाता जा रहा है। जैसे इनिशियली उन्होंने पहले हेडफोन जैक छीन लिया हमसे, फिर उसका वो कनेक्टर छीन लिया, अब तो हेडफोन्स भी छीन लिए, फिर अब तो अडाप्टर भी चला गया, अब तो सिर्फ एक डाटा केबल मिली है। कल को वो भी ना रहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि एप्पल एक बड़ी कंपनी तो है ही। वैसे बेशक वो बता रही हो कि ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक्ट है, लेकिन एनवायरनमेंट से ज़्यादा ये उनकी पैसे बचाने की टेक्निक ज़्यादा लग रही है। तो शुरू करते हैं वीडियो के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 एसेसरीज जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब से आईफोन लॉन्च हुए हैं तब से ही लोगों के मन में एक्साइटमेंट रहती है आईफोन लेने की, लेकिन अब सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन में लोग मोटे हुए हैं वैसे वैसे ही एप्पल के डब्बे बहुत पतले हुए हैं। अगर आप अब एक आईफोन खरीदेंगे तो आपको डब्बे में सिर्फ मिलेगी एक डाटा केबल, वो भी USB-C2 लाइटनिंग। तो एक डाटा केबल की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, ये डायलॉग एप्पल ने सबके लिए फिट कर दिया है। मुझे नहीं पता कैसे फिट हुआ, लेकिन जैसे जैसे आईफोन महंगे होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही उसके जो एक्सेसरीज है डब्बे के अंदर वो ख़त्म होते जा रही है, जिसकी वजह से कई लोग जो एप्पल यूज़ करते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि यार इससे बढ़िया तो एंड्रॉयड था, एंड्रॉयड में ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। वैसे मैं एप्पल फैन बॉय हूँ, मुझे एप्पल के प्रोडक्ट्स शुरू से पसंद है और मैं लगभग पिछले 8-10 साल से एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा लगा लीजिए अनुभव है एप्पल को लेके, जिससे मैं आपको कुछ एसेसरीज आपको बता सकता हूँ जिससे आपका एप्पल का एक्सपीरियंस, एप्पल प्रोडक्ट को यूज़ करने का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। मैंने वैसे तो काफ़ी चीज़ें ली हैं, लेकिन आज मैं आपको टॉप 5 बताऊंगा जो मुझे लगा जिसमें मैंने पैसे डाल के बहुत अच्छा किया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास आईफोन है तो जो सबसे पहली एसेसरी है आपके पास होनी चाहिए, दैट इज़ ये छोटी सी HDMI केबल। अब इस HDMI केबल के बहुत फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप देखते होंगे कि जो आजकल TVs हैं वो मोस्टली एंड्रॉयड TV होते हैं, और लोग उसमें से अपना जो एंड्रॉयड का फ़ोन है डायरेक्ट स्क्रीन मिररिंग कर लेते हैं। अगर जिन्हें स्क्रीन मिररिंग नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन मिररिंग होता है आप वायरलेसली अपने फ़ोन का डिस्प्ले ट्रांसमिट कर देते हो TV पे, जिससे जो भी आप फ़ोन में चलाएंगे वो आपको TV पर भी देखने को मिलेगा। बट एप्पल के केस में अगर आपने ऐसा करना है तो आपके पास एप्पल TV होना चाहिए। अब लोगों पे जो ऑलरेडी TV अवेलेबल है दैट आर एंड्रॉयड TV, और उसके ऊपर एप्पल TV लगा के फालतू का खर्चा वो लोग करना नहीं पसंद करते, तो उसका एक सोल्यूशन है, दैट इज़ दिस HDMI केबल। इसे आप अपने आईफोन से कनेक्ट कीजिए, उसके बाद आप TV से कनेक्ट कर दीजिए HDMI केबल के थ्रू, तो जो आपका फ़ोन का डिस्प्ले है जैसे स्क्रीन रीडिंग में आता है TV पर, वैसे ही आपको आईफोन का डिस्प्ले वहाँ पर मिलेगा। इससे एक तो ये फ़ायदे हैं कि आपके फ़ोन में जो फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप अपने जानकारों को या फैमिली को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप काम करना चाहते हैं, लाइक इसके जो खुद के सॉफ्टवेयर है पेजेस वगैरह के, या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं अगर आप फ़ोन के ऊपर, तो फ़ोन के डिस्प्ले में देखना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर इस HDMI केबल को कनेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर से इसके थ्रू उस पर देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप गेम खेलते हैं तो आप गेम भी देख सकते हैं, या फिर आप ऑफिस के ऐप यूज़ करते हैं तो कीबोर्ड इससे कनेक्ट करके एक ब्लूटूथ उससे यूज़ कर सकते हैं, माउस ब्लूटूथ का कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करके आप आसानी से इस केबल का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा एनहांस हो जाएगा जब आप एप्पल की चीज़ें बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। अब सेकंड चीज़ जो है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि अब उसके अंदर हेडफोन्स नहीं आते, तो जो सेकंड चीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दैट इज़ दीज हेडफोन्स। अब हेडफोन्स के फ़ायदे कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं ये तो आपको पता ही है, ट्रैवलिंग में, ऑफिस जाते हुए, इवन कुछ लोग तो वॉशरूम में जाते हुए भी इसे यूज़ करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल है लाइफ में हेडफोन्स का। अब ये डब्बे के अंदर नहीं आते तो आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। अब लोग क्या करते हैं, जो दूसरे कंपनी के आते हैं, थोड़े जो दूसरी ब्रांड्स के हैं उन्हें यूज़ करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग एप्पल के एयरपॉड से बढ़िया साउंड क्वालिटी कोई नहीं दे सकता। इसके अंदर मैं मानता हूँ बहुत हैवी बेस नहीं है, बट जो उनका कंफर्ट है, जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है, बेशक ये आपको 2,500-3,000 के मिलेंगे, लेकिन ये मस्ट बाय है, आपको इनमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए रादर देन किसी भी हेडफोन्स में। तो अगर आपने आईफोन 12 लिया है तो उसके साथ आप ये चीज़ ज़रूर लें, ताकि आप अच्छे से गाने सुन सकें और देख सकें जो उसके बिल्ट इन एम्पलीफायर्स हैं या साउंड क्वालिटी जो भी है वो कितनी अच्छी है। अब जो थर्ड थिंग है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दैट इज़ एक पेन ड्राइव।
ये स्पेशल पेन ड्राइव है जिसके एक तरफ पे लाइटनिंग कनेक्टर है, इससे आप अपने फ़ोन में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टोरेज वेरिएंट में अवेलेबल है, जैसे मेरे पास ये 128 GB की है तो, और मेरा जो फ़ोन है दैट इज़ 64 GB। तो ये बहुत कामयाब चीज़ है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ या फोटोज़ बनाते हैं तो इसके थ्रू इसमें ट्रांसफ़र करके मैनेज करना आसान होता है। और उसके अलावा इसका और फायदा यह है कि आप वीडियो इसमें ट्रांसफर करके अपने टीवी में लगा कर चला सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ फाइल्स किसी भी तरीके से पीसी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये उसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। और इवन आपके फ़ोन की मेमोरी को भरने से ये रोकता है और आप इजीली अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और इससे आपका थोड़ा डाटा डबल सिक्योर हो जाएगा। इसमें आप अपना डाटा इसमें रख सकते हैं, इससे पीसी में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये बहुत ही हैंडी चीज़ है, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपके आईफोन एक्सपीरियंस में। जो फोर्थ थिंग है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ USB A2 लाइटनिंग केबल। अब जो उसके अंदर केबल आ रखी है डब्बे के अंदर, जो अब आपको आईफोन के साथ मिलती है, दैट इज़ USB C2 लाइटनिंग केबल। बट मेरे अकॉर्डिंग USB A ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि हर किसी के कार में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। अगर आपके पास अभी भी एप्पल की वो USB C2 लाइटनिंग केबल है तो उसमें आपको अलग से एक अडेप्टर भी खरीदना पड़ेगा, बट अगर आप ये केबल ले लेंगे तो आप किसी भी अडेप्टर में उसे फिट कर सकते हैं। और इवन जो मोस्टली हमारे पावर बैंक्स हैं उनमें भी USB A होता है, तो जिसकी वजह से क्या है, आप इसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। USB C में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका थोड़ा लोड कम कर सकती है, थोड़ी टेंशन कम कर सकती है, तो इस केबल में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस USB केबल के फायदे आप उनसे पूछ सकते हैं जो ऑलरेडी एक आईफोन पहले यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास हो सकता है कि अभी भी वो एप्पल के पहले वाले अडेप्टर पड़े होंगे, तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इससे आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं चार्ज करने के लिए, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आपको पता है USB A ही चल रहा है। मुझे नहीं पता एप्पल ने ये क्यों डिसीजन लिया, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है या फ्यूचर प्रूफिंग कर रहे हो, मुझे उसका पता नहीं कि उन्होंने USB C2 लाइटनिंग क्यों किया। बट आपके पास ये एक डाटा केबल होनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ रहा है एक डाटा केबल के होते हुए भी, बट ये बेटर सॉल्यूशन है। जो लास्ट थिंग है जो आपके पास होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज़ ये छोटी सी चीज़, और आई गेस इन सब में जो सबसे सस्ती चीज़ है, ये है लाइटनिंग 2 3.5 हेडफोन जैक। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो आप इससे अपने जो कोई भी ओल्ड ईयरफोन्स हैं जिनके 3.5 mm कनेक्टर है, तो उसे आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप एक व्लॉगर हैं और कोई माइक कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी वो इसी के थ्रू कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसा भी होता है कि आपको अगर ओवर दी हेड या डिफरेंट हेडफोन्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए भी ये बेटर है। और इवन अगर आपके पास कोई सस्ते ईयरफोन्स यूज़ करना चाहते हो अपने आईफोन के साथ, तो उसके लिए भी ये कनेक्टर बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा एक और कनेक्टर भी आता है जिसे स्प्लिटर बोल सकते हैं आप, जिसमें एक और कनेक्टर भी आता है जिसमें आप चार्जिंग और हेडफोन जैक इकट्ठे लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसे हैं तो वो वर्थ इन्वेस्टिंग है, क्योंकि उसमें आप चार्जिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपना हेडफोन्स भी यूज़ कर सकते हैं 3.5 mm। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जैसे आपको पता है कि अब इसमें 2016 से उन्होंने 3.5 mm जैक गायब कर दिया था, और पहले ये कनेक्टर आपको डब्बे के अंदर मिलता था 2016 में जब 7 Plus लॉन्च हुआ था, बट बाद में उन्होंने ये रिमूव कर लिया। तो ये है मेरी Top 5 एसेसरी जो आपका जो आईफोन का एक्सपीरियंस है बहुत एनहांस कर सकते हैं, और आप लिटरली महसूस करेंगे कि इसके बाद आप अपने आईफोन को थोड़ा ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं, रादर देन आप उसे हेट करने लग गए हो। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आईफोन की वीडियोस के लिए मैं आपको और बताऊंगा कि इसके अंदर कौन से ऐप्स आप ये इंस्टॉल करें ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। और बहुत चीज़ें हैं एप्पल के बारे में, अगर मैं बात करने बैठूं तो 100 वीडियो बना सकता हूं मैं एप्पल के ऊपर, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। Bye-bye.